اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما يا فتاح سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी मखलूकात पैदा किए उनमें से सबसे अल्लाह का पसंदीदा अशरफुल मखलूकात इंसान है और इस इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए दुनिया में भेजा है। आखिरत की कामयाबी के लिए हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, क्या कुछ करना है, ये बताने के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। अब इंसान की भलाई, इंसान की कामयाबी, इंसान की नेक बख्ती इसी में है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारे। अगर वो कामयाबी चाहता है तो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करे और ख़ास तौर से मैं ये अर्ज़ करूँ, आज के इस दौर में लोगों का ये मिजाज बन गया है कि जब भी कोई शरीयत का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म लोगों के सामने बयान की जाती है तो लोग फौरन उसके आगे हुज्जत करने लगते हैं, अपने अक्ल से जो है दलाइल पेश करने लगते हैं और उससे बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ईमान वाले की ये शान नहीं, ईमान वाले के लिए ये इसकी गुंजाइश नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म के सामने अपनी अकली दलील पेश करे, कोई हक नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिस तरह दुनिया में आप हमेशा देखते हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नई मशीन आपके सामने बनकर जब आती है तो उसका बनाने वाला उसके साथ एक गाइड बुक भी साथ देते हैं, उसमें लिखा होता है कि इसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किन चीज़ों से बचाएंगे और अगर उसमें कुछ मामूली जो है नक्श पैदा हो जाए तो फिर वो अपने कंसर्न मैकेनिक या उसके माहिर के पास जाने के लिए कह देते हैं कि फिर जो है आप फलां के पास जाइए, वो हमारा है, उससे जाके इसको ठीक करा लीजिए। अल्लाह ने इस मखलूक को जब पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने खालिक, अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह ने भी हमारे लिए एक गाइड बुक दिया है, इसी के मुताबिक अगर हम इसको चलाएंगे तो ये ठीक चलेगा। अगर हम इसमें अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे तो ठीक उसी मशीन की तरह, जिसमें कोई शख्स जो है ये कहे कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या डॉक्टर हूँ या ये हूँ, ये क्या, मुझे इनकी हिदायत पर चलने की क्या ज़रूरत है, और वो उस मशीन में अपनी मनमानी शुरू कर दें तो उसकी गत बना के छोड़ देंगे, बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं कि अल्लाह के अहकाम के सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के सामने हम अपनी अक्ल चलाएं।
ये मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि जो आयत मैंने अभी तिलावत की इसमें इस तरफ भी इशारा किया है। मेरे भाई और दोस्तों, ये जो आयतें हैं, ये सूरह बकरा की चंद आयतें हैं। आयतुल कुर्सी आप लोग पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी से पहले एक आयत है, यहाँ से शुरू होता है और तकरीबन आखिर तक अमवाल के इस्तेमाल और सदका और खैरात और कर्ज देने के फ़ज़ाइल और उसकी तरगीब जो है, यहाँ से इसका सिलसिला शुरू होता है। आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उससे पहली आयत पढ़िए, या अय्युहल लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुम من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। ए ईमान वालो, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें नियामतें दी है, जो हलाल रोज़ी अल्लाह ने दी है आपको, उसमें से खर्च करो। वो वक्त आने से पहले कि उस वक्त जो है कोई सौदागरी नहीं होगी, पैसा नहीं चलेगा। आप जो कुछ आपके पास हैं सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो जाएँ तो कुछ नहीं होगा, वहाँ सौदा जो है वहाँ फिर लेन देन का सिलसिला बंद हो जाएगा। बाज़ अहादीस में आता है कि जो है किसी से कहा जाएगा कि सारी दुनिया के ख़जाने तुमको दे दिया जाए और उसके बाद तुमसे कहा जाए कि तुम अपने इन पूरे ख़जाने को खर्च कर दो अपने जान को जहन्नम से छुड़ाने के लिए, तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर यह सिलसिला ख़त्म हो चुका होगा, वहाँ कोई सिफारिश नहीं होगी, वहाँ कोई पैसा नहीं चलेगा। वो वक्त आने से पहले अपने माल में से खर्च कर दो। ये एक आयत जो है खर्च करने की तरगीब में अल्लाह ने फरमाया, उसके बाद ही आयतुल कुर्सी शुरू हुआ। आयतुल कुर्सी में ईमान पर ईमान की तफसील बता दी, इसीलिए फरमाया बाज़ अहादीस में कि नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद जो का आदमी जो है आयतुल कुर्सी समझ कर थोड़ा सा ध्यान के साथ पढ़ लें और इसको अपना मामूल बना लें, तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही रुकावट है, बस इतना ही फासला है। क्योंकि उसमें ईमान को तफसील से बयान कर दिया, माल खर्च करने के बाद ईमान को मजबूत कर दिया, उसके बाद फिर शुरू होता है माल पर। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء। जो अल्लाह के लिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल खर्च करता है, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई दाना ज़मीन में आप बोते हैं, उसके बाद जो है वो दाना जो है वहाँ से सात बालियाँ निकल जाए निकले और हर बाली में सौ सौ दाने हों। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है, ये तो आम मैंने एक उसूल बयान कर दिया, मैं जितना चाहता हूँ अल्लाह युज़ाफ़ लिमन यशा, जिसको चाहे बेहिसाब दे देता हूँ, वहाँ तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं चलता। बाज़ हदीस में फरमाया कि आदमी एक छुआरे का दाना, खजूर का दाना खर्च करता है और वो इखलास से खर्च करता है, अल्लाह की मोहब्बत में वो खर्च करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको अपने मुट्ठी में इतना बढ़ा देता हूँ कि वो पहाड़ के बराबर बन जाता है। तो एक का दस नहीं, एक का सात सौ भी नहीं, उसके बाद जो है हमारी गिनती से बाहर अल्लाह ताला दे देता है। उसके बाद तफसील से माल खर्च करने की जो तफसील हुई, उसके बाद फरमाया अय्युहल लज़ीना आमनू, माल खर्च करो, और माल खर्च करने के बाद जो है उसमें एहसान ना जितलाओ, माल खर्च करने के बाद एहसान ना जितलाओ कि मैंने फलां को इस तरह मदद किया था, मैंने उसको ये दिया था, मैंने इसको ये दिया था, एहसान ना जितलाओ। उसके बाद फिर आगे आयत में है, मैं इख्तिसार कर रहा हूँ अपने मौजू पर आने के लिए, आगे की आयत में है कि जो लोग रियान अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम रियान लिन्नास वला युमिनू बिल्लाह, जो लोग दिखावे के लिए अपनी शोहरत के लिए कि लोग कहें कि बड़े बड़े सखी आदमी हैं, ये बहुत खर्च करने वाले हैं, ये ऐसे हैं और ऐसे हैं, आपकी तारीफ़ हो जाए, इसके लिए अगर खर्च करते हैं, तो उसके बारे में फरमाया कि वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है, उसके ऊपर मिट्टी है, ज़ोरदार की बारिश हो जाए तो मिट्टी सब धुल जाती है। आपने किया तो वो उस मिट्टी की तरह है, जहाँ आप कल क़यामत के दिन जो अल्लाह के सामने जब पहुँचेंगे तो वो जो है धुल चुका होगा, कुछ नहीं बचा होगा। बाज़ हदीस ने फरमाया कि ऐसे आलिम लाए जाएंगे जिनसे कहा जाएगा कि भाई मैंने तुम्हें इल्म दिया था, तुमने इससे क्या काम लिया, क्या किया तुमने, इतनी बड़ी नियामत, दुनिया की सबसे बड़ी नियामत इल्म दीन है, इससे बड़ी नियामत दुनिया में और कोई चीज़ नहीं।
इल्म दीन के लिए तुम तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हें मैंने अब दीन दिया तो क्या किया? कह गए परवरदिगार मैंने लोगों को सिखाया, मैंने तबलीग किया, मैंने दावत दिया, मैंने ये किया और ये किया, मैंने इतनी किताबें लिखी और मैंने इतने शागिर्द छोड़े और ये और ये ये हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे मैं तुम्हारे दिल के अंदर की बात को जानता हूँ, ये सब तुमने इसलिए कहा किया था ताकि लोग तुम्हें बड़ा आलिम समझे। वो समझा जा चुका, वो हो गया, वो शोहरत हो गई, वो जो कुछ जिस मकसद के लिए किया था वो मकसद दुनिया में हासिल हो गया। आज तुम्हें कुछ नहीं मिलना, पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरह से मालदार को लाया जाएगा, कहा जाएगा कि तुम्हें मैंने इतना माल दिया था क्या किया? तो कहेगा कि परवरदिगार मैंने कोई खैर का कोई रास्ता ही, कोई खैर का कोई मौका ही मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने माल खर्च ना किया हो। मैंने फलां जगह खर्च किया, यहाँ खर्च किया, मदरसे में खर्च किया, यतीमों पर दिया, इनको दिया, बेवाओं को दिया, मरीजों को दिया, ये दिया, ये किया, ये किया। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे तुमने ये सब इसलिए किया था कि तुम्हें शोहरत मिल जाए। वो जिस मकसद से किया था वो हो गया, अब यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये आगे चल कर फिर मिसाल दिया है, अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम इब्तिगा मर्ज़ातिन मिन अल्लाह व तस्बीतन मिन अन्फुसिहिम कमथल जन्नतिन बिरबतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़ुअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तर। जो लोग इखलास के साथ अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे जो है कोई टीला है, मिट्टी का टीला है, हमारे जहाँ कश्मीर में जो पहाड़ होते हैं मिट्टी के टीले जो होते हैं वो ऐसे ज़रख़ेज़ होते हैं कि वहाँ पर जो है फ्रूट और दरख्त और जो है सेब और क्या क्या वहाँ पर उगता है, तो ऐसे ऐसे उसकी तरह जो है वो टीले हैं। फिर नसाब हुआ भी अगर उस पर बारिश होती है तो और ज़्यादा फ्रूट आता है, और अगर किसी साल बारिश ना भी हो तो वो जो है वो टीला जो है वो तर रहता है, सूखता नहीं, वहाँ का दरख्त जो है वो सूखता नहीं है। फिर आगे चल के जो है माल खर्च करने की सारी तरकीब देने के बाद इस आयत पर पहुंचा है। ये सब वहाँ से सिलसिला आप देखिए, पूरा माल खर्च करने के बारे में जो कुछ तरकीब दिया जा रहा है और फिर इखलास का भी साथ साथ बयान हो रहा है, ईमान का भी साथ साथ बयान हो रहा है, उसके बाद यहाँ आकर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीन यअकुलून अर्रिबा, बिल्कुल सूद, रिवा कहते हैं सूद को, सूदी कारोबार करने वाला बिल्कुल सदका खैरात करने वाले का अपोजिट, उसके ज़िद होते हैं। सदका खैरात करना किसी के साथ मोहब्बत का जज्बा, किसी के खैरखाई के जज्बे के साथ आदमी किया जाता है, और सूदी लेन देन जो है वो उससे छीनने के लिए, उससे अपने माल को बढ़ाने के लिए, उससे उसकी मेहनत की कमाई को जो है उसका खून चूस चूस के लेने के जज्बे से लिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है वो मनफी पहलू शुरू हो गया। जो लोग सूद लेते हैं अल्लज़ीन यअकुलून अर्रिबा ला यकूमून, कल क़यामत के दिन जब वो कब्र से उठाए जाएंगे तो ऐसा होगा जैसे वो दीवाना है, कोई पागल आदमी है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अजीब बात कह दिया जो है अल्लाह ताला के यहाँ कल क़यामत के दिन हर अमल का, हम आम तौर से देखते हैं कि किस अमल का क्या सज़ा है, तो आम तौर से ये देखते हैं कि वो जो है अमल और सज़ा में, उसके जुर्म और सज़ा में कुछ ना कुछ मुनासिबत होती है, कुछ ना कुछ रिलेशन मुनासिबत कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग सूद खाते हैं वो जब कब्र से निकलेंगे खुद तो वो दीवाने जैसे होंगे, यतखब्बत शैतान मिन अल-मस, जैसे कि शैतान ने उसके दिमाग पर जो है असर कर डाला और उसका अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब ये जो है ये हालत उसकी क्यों हो गई, आगे एक बात आ रही है, एक आयत आगे आ रही है, يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا। एक तो ये कि आदमी जुर्म करे, गुनाह करे, ये बात याद रखे कि एक गुनाह करना होता है और एक गुनाह को गुनाह ना समझना, ये बहुत ख़तरनाक है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन अपने आप को गुनाहगार समझता है, नमाज ना पढ़ने का गुनाह, उसकी सज़ा तो उसको होगी, लेकिन अगर दूसरे अगर वो इस हद पर पहुंच जाए कि वो नमाज़ को फ़र्ज़ ही नहीं समझता, फ़र्जियत से वो इनकार कर देता है, नहीं जी कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये मौलवी सब बनाते हैं, तो वो ईमान से ख़त्म हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। फ़र्जियत का इनकार कर दे तो काफिर हो जाता है। इसी तरह से एक आदमी सूद लेता है या शराब पीता है या और कोई हराम काम करता है और वो अपने आप को गुनाहगार समझता है तो उस गुनाह की सज़ा तो उसको होगी अगर उसने तौबा नहीं किया, मरने से पहले उसको तौबा की तौफीक ना हुई, अगर तौबा की तौफीक हो गई तो
माफ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको हराम को वो हराम ही नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता, तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। ये मर्ज़ जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है, आज के दौर के लोगों में अपने ज़हानत पर उनको इतना ये है, गुरूर है कि वो उसी को जो है हर चीज़ को अपने ज़हानत पर, अपने दिमाग पर, अपने अक्ल पर हर चीज़ को तोलते हैं, और उसकी अक्ल में इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि वो हर चीज़ को उसमें तोलें, दीन के बातों को, आखिरत की बातों को, अल्लाह के अहकाम को उस पर तोलें, इतने तो है नहीं। तो वो सोना तोलने वाले, छटांग तोलने वाले तराजू पर जब क्वांटल तोलेगा तो उसमें आता नहीं, जब आता नहीं है तो इनकार कर जाता है, नहीं जी कुछ नहीं। आज के ज़माने में ये मौलवी सब क्या सूद का ये मसला लेके आए, सूद के बगैर कहाँ दुनिया चलती है? वो ज़हानत दिखा रहा है, इसी की मुनासिबत से कल कब्र से जब उठेंगे तो उसका जहन ख़त्म हो चुका होगा। कितना मुनासिब सज़ा दे रहा है, वो जहानत दिखा रहा है ना, कुरान के सामने अपनी अकल दिखा रहा है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब है हुक्म नाजिल, ये हुक्म उनको सुनाया अल्लाह के नबी ने कि जो है ये सूद जो है ये हराम है, जब ये सुनाया गया तो क्या ये बाज़ार में ये दुकानदार जो ताजिर लोग जो तिजारत करते हैं, ये भी तो सूद है, ये भी तो नफ़ा है, उस नफ़े को तुम जो हलाल कहते हो और इसको जो हराम कहते हो। कुरान के सामने अपनी अक्ल दिखा रहा है, अपनी ज़हानत दिखा रहा है हर मामले में। मेरे भाई और दोस्तों, ये बहुत बड़ा मर्ज आज के लोगों में है कि जब भी उनके सामने किसी अल्लाह का कोई हुक्म सुनाया जाए तो वो उसके सामने फट से अपनी जो है अपनी दलील पेश कर देते हैं कि भाई इसके बगैर कैसे होगा, ये तो सब लोग कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया इसी पर चल रहा है, पूरी दुनिया इसी पर चल रही है, दुनिया इसी पर कायम है। ये इन लोगों ने भी किया था, जब शराब हराम हुआ तो कहा कैसे शराब के बगैर कैसे जी सकता है, ये तो हमारे माशरे में ऐसा है कि इसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जब सूद के बारे में कहा तो कहा इन मिसलो रिबा, और ये भी नहीं कहा कि क्या करते हो तुम लोग जो है सूद, जैसे आजकल हम कहते हैं कि जो है तुम सूद को हराम कहते हो, बल्कि वो जो है उल्टा उसको बेवकूफ़ कह रहा है कि तुम बेवकूफ़, तुम तो तिजारत तो करते हो, बिजनेस करते हो, दुकानदारी करते हो, दुकानदार दुकान पर बेच कर सौदा बेचता है, वहाँ से नफ़ा कमाता है, वहाँ वो तो तुम खाते हो और सूद को कहते हो हराम। अक़ल दिखाया तो यह काम कर, तो जो है जब कब्र से उठाया जाएगा तो वो ऐसा दीवाना होगा जैसे उसके दिमाग को शैतान ने जो है माफ़ कर दिया है, उसके दिमाग को जो है ख़त्म कर दिया है, वो पागलों की तरह उठेगा। يتخبط الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا, ये सज़ा क्यों है कि वो कह रहा है कि ये तुम जो दुकानदारी करते हो ये भी तो नफ़ा है, ये भी नफ़ा है, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, क्या फ़र्क है, क्या पंगा लेके बैठे हो, ये दिमाग अकल दिखाया ना, तो इसीलिए مثل الربا حل الله البيع وحرم الربا। अब इसका जवाब क्या दिया अल्लाह ताला ने, जब वो कहता है तुम्हारे दुकान पर जो तुम नफ़ा कमाते हो वो भी तो इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, वो भी सूद है, ये भी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, जवाब क्या दिया। ये ख़ास कर उलमा इसको जहन में रख लें कि हर जहालत का सवाल करने वाला, जाहिलाना सवाल करने वाले को जवाब नहीं दिया जाता है। एक आदमी सवाल करता है कि मैं इसको जानूँ, ये मसला मैं समझ लूँ और इस पर मैं अमल करूँ, अल्लाह का हुक्म जानूँ और इस पर मैं अमल करूँ, उसको उसके मेयार के हिसाब से मसला समझा दिया जाता है। आलिम होगा तो उसी हिसाब से उसको समझा दिया जाता है कुरान हदीस के दलाइल के साथ, हैं? आम आदमी हो तो उसके अकल के हिसाब से उसको वो मसला समझा दिया जाता है। और एक आदमी होता है कि वो हर दर्मी के लिए, बहस करने के लिए वो सवाल पूछता है, तो उसको समझाना उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं, उसको वैसा ही उसके मौके के हिसाब से जवाब दिया जाएगा, उस आदमी के जो है मिजाज के हिसाब से उसको जवाब दिया जाएगा। हर सवाल पूछने वाले का जवाब देना अपनी ज़िम्मेदारी न समझें, ख़ासकर आजकल जो जब मीडिया पर बहुत सारे उलमा अपने बयान करते हैं तो हर कोई कसर नाकस जो है एरे गैरे उनसे अजीब अजीब तरह के सवाल करते हैं और वो उसको जवाब देना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं। पहले सवाल पूछने वाले की नीयत समझे, वो क्यों पूछ रहा है, किस जज्बे से पूछ रहा है, क्या करना चाहता है वो ये पूछ के, उसके बाद उसको जवाब दिया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन इन मलबे वो मिसलू रिबा, उसने कहा क्या तुम लोग भी
खुद तो तिजारत करते हो, वहाँ से नफ़ा कमाता है, और इस नफ़े को तुम हराम कहते हो। अल्लाह ताला ने इसको एक बिल्कुल मुजमल जवाब दे दिया। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दे दिया? अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम अर-रिबा। अल्लाह ताला ने इसको जवाब दे दिया, अल्लाह ने बैअ को हलाल किया है, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, और अल्लाह ने सूद को हराम किया है। अब तुम एक ही समझ रहे हो, अल्लाह इसको दो समझ रहा है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक हलाल है एक हराम है। अब यहाँ ये तफसील हासिल ये होना चाहिए था कि भाई ये दुकान का जो है बेय जो है, ये तिजारत जो है, इसकी ये नोयत है, इसको हम बेय कहते हैं, फिर सूद इसको कहते हैं, उसके डिटेल बता देते ये चीज़ें हो तो ये सूद है। ये नहीं बताया, क्योंकि ये कहने वाला जो है वो शरारत से कह रहा है, वो समझने के लिए नहीं कह रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, भाई इनसे कह दो अल्लाह ने बैय को हलाल किया है, सूद को हराम किया है, बस जाओ, उसके बाद तुम जानो, तुम्हें जो पसंद है वो कर लो। हलाल चाहिए तो ये कर लो, हराम चाहिए तो इसी में मस्त रहो। हर्रम फमन जाअहु मौइज़तु मिन रब्बिही फन्तहा फलहु मा सलफ। अल्लाह की तरफ से जिसको जो है जो हिदायत मिल गई है, जो हिदायत जिसके पास आ गई है, वो उस अल्लाह की हिदायत को अगर मानता है, उसके सामने सर झुका देता है, तो उसके लिए क्या है कि उस वक्त तक जो सूद हराम होने से पहले जो कारोबार चल रहा था उसमें जो है फलहु मा सलफ, आपने जितना कर्ज़ दिया है अपना असल रकम आप ले सकते हैं, आपने जितना उसको कर्ज़ दिया है अपना असल पैसा ले सकते हैं, जो सूद आपका उसके ऊपर चढ़ा है वो आपको लेने की इजाज़त नहीं, वो आप नहीं ले सकते। ये उन लोगों से कहा, ये जिन्होंने ये आयत नाजिल होने से पहले, सूद हराम होने से पहले जो कर रखा था, लोगों को कर्ज़े दे रखा था, उनके लिए कहा कि आपने जो कर्ज़ा दिया है अपना असल पैसा तो आप वापस ले सकते हैं, जो सूद चढ़ा है उसके उस पर वो उसको छोड़ना पड़ेगा, वो आप नहीं ले सकते। وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। अब ये आयत नाजिल होने के बाद फिर भी कोई सूदी कारोबार करता है, फौलाए का अस्हाबुन नार हुम फिया खालिदून, बहुत ख़तरनाक ये है, हुम फिया खालिदून। हमारा अकीदा है कि ईमान वाला जिसके सीने में ईमान का ज़र्रा भी होगा उसको आखिर न आखिर जहन्नम से निकाला जाएगा, चाहे जितना भी बड़े से बड़ा मुजरिम हो, सज़ा भुगतने के बाद उसको जहन्नम से निकाला जाएगा, क्योंकि उसके सीने में क्या है, चिंगारी बराबर भी ईमान है, उसको निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ये आयत नाजिल होने के बाद, सूद हराम करने के बाद, अगर कोई फिर भी जो है सूदी कारोबार करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। इससे मालूम हुआ कि उसका ईमान ज़ायल हो गया, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में होगा। किसी का कातिल है, जानी है, शराबी है, कोई भी बड़े से बड़ा मुजरिम है, उसका जुर्म जो उसकी सज़ा भुगतने के बाद उसको निकाला जाएगा, अगर वो तौबा किए बगैर मर गया, तौबा करके मर गया तो हो सकता है पहले ही माफ़ हो जाए, पहले ही मग़फ़िरत हो जाए। लेकिन इसके बारे में कह रहा है कि नहीं निकाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। ये मैंने पहले जो अर्ज़ किया कि ये हमारा मिजाज जो है कि अल्लाह का हुक्म जब सुनाते हैं, भाई ये चीज़ बिदअत है, ये बिदअत है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ ये है, तो फौरन लोग जो दलाइल दे देते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, फ़वाद गिनना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी एक अर्ज़ किया था कि अल्लाह कुरान की एक आयत है, ये जो है अगर से शराब के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है, लेकिन ये उसूल है, ये दीन का एक बुनियादी उसूल है, इसको आप जहन में रखें। يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا। ये लोग आपसे जो है शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इनको बता दीजिए कि ये जो है قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ है, ये कबीरा गुना, और इसमें लोगों के कुछ फ़ायदे भी हैं। शराब पीने वाले कहते हैं ना, भाई ये शराब पियो तो खांसी नज़ला ख़त्म हो जाता है, बाहर तो कहते हैं शराब थोड़ा सा पी लें टेंशन ख़त्म हो जाता है, किसी को रात को नींद नहीं आती है थोड़ा सा ले लिया आराम हो जाता है, बहुत सारे फ़ायदे वो गिन लेंगे शराब और जुए के,
लॉटरी के टिकट जहाँ जो बिकते हैं लोग लेते हैं, लॉटरी लगाते हैं या जुए खेलते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे वो बयान करते हैं कि ये पैसा जो है गरीबों को जाएगा, ये पैसा जो है फलाने जो है सोशल वेलफेयर में खर्च होगा और उसमें खर्च होगा, इसमें खर्च होगा, इसके ये फ़ायदे और इसके ये फ़ायदे हैं। फ़ायदे होंगे, अल्लाह ताला ने इसका इनकार नहीं किया, इसको रद्द नहीं किया कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उसके नफ़े से बहुत उसका नुकसान जो है उसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं किसी चीज़ के हराम होने के लिए वो उसमें जो है बिल्कुल 1% भी फ़ायदा ना हो, वो बिल्कुल मुज़िर ही मुज़िर हो। बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने हराम किया हराम है, आपको अकली दलाइल देने की ज़रूरत नहीं। ये जो है शराब के बारे में लोगों ने जब ये कहा कि इसमें ये फ़ायदे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्फ़ीमा इसमें कबीर व मुनाफ़िउ लिन्नास, इसमें बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है, उसकी मज़रत जो है, उसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये ख़ास कर जो है अभी इस आयत में तो सूद के बारे में चल रहा है, लेकिन दो चीज़ें, सूद और बेहयाई, ये जो है इस कदर आम हो चुका है, इस कदर आम हो चुका है कि अब लोग इसी को दलील के लिए पेश करते हैं कि सब लोग करते हैं, भाई ये ना करो तो कहते हैं सब लोग करते हैं, तो सब लोगों के करने से कोई चीज़ हलाल हो जाएगी, सब लोगों के करने से कुरान का कोई हुक्म मनसूख हो जाएगा, सब लोग करते हैं, ये कोई दलील है, सब लोग करते हैं, या ये कहेंगे कि हाँ ये भाई ये बिदअत है, ये मत करो, ये नाजायज़ है, ये मत करो, बाप दादे से करते आ रहे हैं, इतने सदियों से हम करते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ेंगे? बाप दादा कोई दलील है, शरी दलील है, ये कोई दलील है कि हम पहले से करते आ रहे हैं? तो ये जो है, ये इस तरह से अगली दलील देने वाले के बारे में पहले ही कह दिया कि जो है जब वो कब्र से उठेंगे तो दीवाने होकर उठेंगे, मालूम हुआ कि इसके अकल जो है वो सल्ब हो चुका है, सल्ब हो चुकी है। तो फ़ामरु वमन आद फौलाए का अस्हाब النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم। अल्लाह ताला जो है يمحق الله الربا, अल्लाह ताला सूद को ख़त्म करना चाहता है, अल्लाह ताला सूद और सूदी कारोबार को ख़त्म करना चाहता है, वह युर्ब सदक़ात और सदक़ात को अल्लाह ताला तरक्की देना चाहता है, ये ख़त्म करना चाहता है या ख़त्म करता है, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो ये है कि इस जिस मकसद के लिए हम माल कमाते हैं, जिस मकसद के लिए हम मकान बनाते हैं, जिस मकसद के लिए हम अपने ज़रूरत की चीज़ें मकान में घरों में जो है जमा करते हैं, वो सारे जिस मकसद के लिए हम दिन रात दौड़ धूप करके जो ये जो कुछ पूंजी जमा करते हैं, वो उस मकसद में वो नाकाम हो जाता है। राहत के लिए हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है राहत के सारे सामान मौजूद हैं और राहत नहीं है, राहत के सारे सामान आपने इकट्ठा कर लिया लेकिन खुद राहत नसीब नहीं है। यह है कि जो है हराम चीज़ से जो है सुकून हासिल करें, हराम चीज़ से जो है आदमी अपने को तरक्की दे दें, तो बुज़ुर्गों ने मिसाल दिया है कि जैसे किसी के जो है खुदा ना खास्ता किसी के जिस्म में जो है पीप भर जाए, किसी बीमारी की वजह से खूब मोटे हो जाएँ और लोग उन्हें जो है सेहतमंद और पहलवान समझने लगे, लेकिन वो मोटापा कितना दिन रहेगा, वो कितना दिन रहेगा, वो उसके वो मरज़ है उसके वो उसकी जान ले लेगा। ये जो सूदी कारोबार से जो मोटे हो रहे हैं, ये जो है ये अमीरी नहीं, ये राहत नहीं, ये सुकून नहीं, ये अच्छी ज़िंदगी नहीं, बल्कि ये मर्ज़ है, ये आपकी जो है दुनिया की ज़िंदगी को भी ले डूबेगा और आखिरत की ज़िंदगी भी ले डूबेगा, दोनों को बर्बाद कर देगा। इसीलिए जो अल्लाह इसकी बरकत ख़त्म कर देते हैं, इसके फ़ायदे जिस मकसद के लिए जो है इस माल को कमाया था वो मकसद ख़त्म हो जाता है। वयूर भी सदक़ात, और दूसरी तरफ से अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहा है कि सदक़ा देना जो है कर्ज़ा देना। एक आदमी किसी को कर्ज़ देता है, उसके बाद मुद्दत मुतय्यन कर देता है, चलो 6 महीना मिसाल के तौर पर 6 महीने के लिए मैं ये 50,000 तुम्हें कर्ज़ दे रहा हूँ, इतना सवाब मिलता है जैसे उसने उसको सदक़ा खैरात ही कर दिया हो, कर्ज़ नहीं दिया सदका ही कर दिया। उसके बाद वो वक्त पूरा हो गया,
वो अब बेचारा आया, कहा कि वादा तो था 6 महीने बाद देने का, लेकिन मुझे गुंजाइश नहीं हुआ, मुझे और थोड़ा मोहलत दे दीजिए। आपने और मोहलत दे दिया तो और उतना सदका करने का सवाब मिल जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो ज़हनी सलाहियत रखते हैं, जो तालीम रखते हैं, जो बहुत हुनर है, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, अपना सरमाया उसको दे दें और उसके ज़हानत को आप इस्तेमाल करें। आप जो है उसमें जो है कारोबार में दोनों शेयर करके जो है एक बेरोज़गार को रोज़गार दे सकते हैं। आपके पास ज़मीन है, उस पर कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं, किसी के पास भाई के पास पैसा है, वो उस पर कुछ बना लेंगे। तीसरा आदमी जो है वो काम करने के लिए सलाह रखता है, वो आके वहाँ पर काम करेंगे। एक जगह आपने होटल बना दिया, इसके पास ज़मीन थी, उसके पास पैसा था, उसके पास तजुर्बा और प्रैक्टिस और तालीम था, वो सब आके जो है उस पर काम करने लगे, शेयर करने लगे। क्या ज़रूरी है आपको सूद लाने की? सूद, ये देखो, सूद हराम होने के लिए बयान तो बहुत होता है, लेकिन इसके लिए एक काम और होना चाहिए, एक काम और होना चाहिए, यानी उसका जो है उसका न्यामुल बदल भी लोगों को देना चाहिए कि हम लोगों को जो है सूद कर्ज लाने के बजाय इस तरह से अपना सोसाइटी बना लें, इस तरह से अपना कुछ ग्रुप बना लें कि सब एक दूसरे के मुआविन हो जाए, तो आपका माल भी काम आ जाएगा, उसकी जहानत भी काम आएगा, उसकी ज़मीन भी जो है काम पर लग जाएगा, उसका जो है जो कुछ उसके ज़राए हैं वो सब काम में आ जाएगा और सबको फ़ायदा होगा। इस तरह का निज़ाम हम बना सकते हैं। इस्लाम ने ऐसा निज़ाम बना के लोगों को दिया, सिर्फ सूद हराम कहकर नहीं बैठा, ऐसा निज़ाम लोगों को बना के दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग ठेले में ज़कात का पैसा लेकर घोड़े पर सवार होकर मुल्क के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और वह ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। ये किस वक्त कहा? उस वक्त कहा था जब सहाबा किराम को एक एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, 24 घंटे में आधी रोटी मिलना मुश्किल होता था। उस ज़माने में अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की और तकरीबन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 35-40 साल बाद जो है वो वक्त आ गया कि ज़कात देने वाला नहीं मिलता था। इतनी तरक्की हो गई, कौम को इस स्टेज पर लाया। अल्लाह के नबी ने जो निज़ाम ज़िंदगी दी लोगों को, जो इकोनॉमी उसूल जो लोगों को दिया, वो उस पर चलकर वो मुआशरा जो उस हालत में था। एक सहाबी कहते हैं कि हमारी ऐसी हालत थी कि मैं रात को कहीं पेशाब करने गया तो वहाँ पेशाब किया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी सख्त चीज़ पर लग रहा है, उसकी आवाज़ आती है, जैसे कागज़ पर लग गया, किसी चीज़ पर लग गया तो आवाज़ आती है। तो पेशाब करने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ क्या है, देखा तो सूखा चमड़ा था, तो लाया, उसको धोया और उबाल के खाया। वो सहाबा किराम जिसने जो है इन्हीं लोगों ने दुनिया के 2/3 पर जो है कब्ज़ा किया और वहाँ पर हुकूमत चलाया। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे पास है, ये निज़ाम हमारे पास है। अल्लाह ताला हम सबको जो है इस हराम चीज़ इसके बारे में जो है अहादीस में जितनी सख्ती से ममानियत आई है ये हम अभी ज़्यादा बयान नहीं कर सकते हैं, वक्त कम है। तो ये जो है हम जो है मिल के पूरा माशरा मिल के हम इस पर जो है एक दूसरे से मशवरा करके हम इस तरह से ऐसे प्लान बना सकते हैं कि हम अपने भाइयों को सूदी कारोबार से बचा सकें। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक दे।